नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे UPSI भर्ती को लेकर। तो एक यहाँ पर आपका नया नोटिस जारी हुआ है, क्या है आपका पूरा नया नोटिस, उसको लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका UPSI का भर्ती का विज्ञापन सितंबर महीने में जारी होना था, लेकिन अभी तक इसका ऐसा कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है। तो यहाँ पर नया क्या अपडेट है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यूपी सरकार, यहाँ पर अगर हम रोज़गार की बात करेंगे तो बहुत ही गंदा काम कर रही है। चाहे आपका UPPSC की कोई भर्ती हो, UPSSSC की कोई भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती हो, अभी तक किसी भी भर्ती पर ठीक से कोई भी काम यूपी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला गया है, यानी कि UPSI भर्ती को लेकर यहाँ पर यह बोला गया है कि आयोग के द्वारा यानी कि कार्यदायी संस्थाओं से पूर्व दिनांक 28/8/2020 तक आमंत्रित निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 15/9/2020 को थी। उक्त निविदा के क्रम में निर्धारित तिथि समय बोर्ड को मात्र 2 निविदा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार निविदा डालने वाली कार्यदायी संस्थाओं की संख्या नियमानुसार 3 से कम होने की वजह से निविदा को यहाँ पर पुनः कर दिया गया है निरस्त। और यहाँ पर ये 23/9/2020 को यहाँ तक ये पुनः यहाँ पर उक्त निविदा, यानी कि यहाँ पर बोला गया कि 23/9/2020 तक पुनः फिर से यहाँ पर किए बोला गया करने के लिए, नियमानुसार बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। और उक्त निविदा को बोर्ड द्वारा गठित टेंडर ओपनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 24/9/2020 को 12 बजे खोला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो यानी कुल मिला के अगर इस बार यहाँ पर ये टेंडर वाला काम फाइनल हो जाता है तो कम से कम आपका जो विज्ञापन है उसको आने में कम से कम यहाँ पर 20 दिन लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी सितंबर महीने में आपका जो विज्ञापन आना था, अब सितंबर महीने में विज्ञापन इसका नहीं आ पाएगा, अक्टूबर महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि UPSI का विज्ञापन हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है जो टेंडर की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये फिर से बोला गया है कि समय समय पर उसमें किए गए संशोधनों के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई उक्त निविदा को 23/9/2020 को यहाँ पर 2 बजे तक पुनः डाले जाने हेतु नियमानुसार बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है, और उक्त निविदा को बोर्ड द्वारा गठित टेंडर ओपनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 24/9/2020 को 12 बजे खोला जाएगा। तो यहाँ पर टेंडर का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो इस वजह से अभी सितंबर में इसका विज्ञापन नहीं आ पाएगा। अब इसका विज्ञापन अक्टूबर में ही आ पाएगा, तब तक यहाँ पर आपको वेट करना रहेगा। बाकी यहाँ पर तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन बचा है कि सरकार को यहाँ पर दिखाना होगा कि छात्र उनसे कितना ज़्यादा नाराज हैं। तो इसके लिए आप सभी को अपने डिजिटल माध्यम से ट्विटर वगैरह पर लगातार ट्वीट करना होगा, ट्रेंडिंग में लाना होगा। और इसके अलावा जहाँ पर भी आंदोलन होगा अभी छात्रों का सरकारी नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उनमें सभी को भाग लेना होगा। सरकार तभी सुनेगा और तभी चीज़ें तेज़ी से हो पाएंगी। नहीं तो UPSSSC का जो कंडीशन रहा है अभी तक वैसा ही बना रहेगा आगे भी, UPSSSC का जो कंडीशन रहा है अभी तक वैसा ही बना रहेगा, और UPSI जो अन्य भर्तियाँ हैं वो भी ऐसे ही लटकती रहेंगी। और सरकार यहाँ पर बेकार बेकार फालतू फालतू घटिया घटिया नियम बनाती रहेगी, कभी संविदा का नियम बनाती रहेगी, कभी कोई नियम बनाती रहेगी, कभी कोई नियम बनाती रहेगी, और अपने 5 साल निकाल देगी। तो यहाँ पर अभी तक एक भी भर्ती ढंग से इनके द्वारा नहीं किया गया, ये पूरा अपना समय सिर्फ नीतियाँ बनाने में ही बर्बाद किए दे रहे हैं। तो अभी सभी को एकजुट होकर अपना डिजिटल तरीके से और यहाँ पर जहाँ पर आंदोलन होगा वहाँ पर शामिल होना होगा, सरकार को अपनी बात पहुँचानी होगी कि आपको यहाँ पर समय पर नौकरी सभी को देना होगा। ये जो जुमलेबाजी है ये आपका नहीं चल पाएगा। तो सरकार को यहाँ पर छात्रों को अपना नाराज़गी यहाँ पर दिखाना होगा, तभी सरकार सुनेगी। क्योंकि सरकार तो अपना हाथी की चाल में चल रही है, मस्ती से सो रही है, उसको मतलब ही नहीं कि UPSSSC क्या कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं कि UPSSSC क्या कर रहा है। नई नई नीति केवल बना रहे हैं, फर्जी फर्जी की नीति, फालतू फालतू की नीति बना रहे हैं, और जितने भी छात्र सभी का भविष्य ये जो है अंधकार में ले जा रहे हैं, सभी छात्रों का भविष्य जो है ये बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। नौकरी इनको देना नहीं और नई नई नीति से इनको बनाना है। तो अभी यहाँ पर आप सभी को एकजुट होकर यहाँ पर आवाज़ इनके खिलाफ उठाना होगा, इनको बताना होगा कि आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करना है, नहीं तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। बाकी UPSI भर्ती की बात करें तो इसका टेंडर फिर से टल गया है। अब इसका जो है टेंडर अभी इसका सितंबर में फाइनल हो पाएगा, तो इसका विज्ञापन अक्टूबर तक आ पाएगा, ठीक है। अभी सितंबर में इसका जो विज्ञापन है वो आपका आना संभव नहीं हो पाएगा। टेक केयर, मिलते हैं।